नमस्कार, मैं आनंद, आपसे म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर। इसका नाम है सुरभि स्वर संगम। आज एक सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा, और ये जो सवाल है ये कॉमनली जनरली सभी लोगों के मन में रहता है जो सीखना आरंभ करते हैं, कुछ महीने सीखते हैं, उसके बाद उनके मन में ये सवाल आना शुरू हो जाता है। तो आज मेरे साथ सोम यादव बैठा हुआ है, इसको आप सुनते रहते हैं, अक्सर बैंजो बजाता है, आज हारमोनियम पर संगत करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बिठाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, आपको मैं विथ एग्जांपल ताकि समझा सकूं, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पर बिठा करके मैंने रखा है। तो सवाल ये है कि कई सारे लोगों का सवाल है, मतलब रहा है ये, तो मैंने आज सोचा इस पर एक वीडियो मैं बना ही देता हूँ। सवाल ये रहता है कि सर हम गाना तो बजा लेते हैं, हम घर पे तो बजा लेते हैं, कोई भी गाना हम लोग सुनते हैं तो हम घर पे गाना हम उसको निकाल लेते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर हम संगत नहीं कर पाते, वहाँ पर हम सिंगर के साथ नहीं बजा पाते। तो सर इससे बहुत डिमोटिवेशन हमारे अंदर आता है, तो क्या प्रॉब्लम है ये, क्यों नहीं हो पाता ऐसा? ठीक है, तो आज इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी फील्ड हो उसमें जो परफेक्शन है ना वो धीरे 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 आता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है। जो बोल रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ वो झूठ बोल रहा है, परफेक्शन का दुनिया में कहीं अस्तित्व नहीं है, परफेक्ट केवल ऊपर वाला है, ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल भी इसका टेंशन नहीं लेना है कि पहले आप परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आप प्रोग्राम में जाना है या आप तभी बजा पाओगे। आप क्या डेफिनेशन दोगे परफेक्शन की, आप कैसे समझोगे कि आप परफेक्ट हो गए हो, उसका तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हर स्टूडेंट से गलती होती है, और इसी को हम लोग अनुभव बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तीन चीज़ें तो आपको हमेशा ही इस पर काम करते ही रहना पड़ेगा। पहला तो आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, वो आपको लेते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको जो भी आपने सीखा है उसको आप संगत करने जा रहे हैं, बिल्कुल करिए संगत, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं प्रोग्राम में गए और किसी ने कोई भजन गा दिया या कुछ भी गा दिया, आप उस पर नहीं बजा पाए, तो आपका अब क्या कर्तव्य बनता है कि आप घर पर आकर के ये चेक करो कि वो जो भजन था वो क्यों नहीं बजा पाया मैं, या वो जो भजन था वो किस स्केल में जा रहा है। आपको नहीं पता तो आपके टीचर से पूछे, आपके गुरु से पूछे, और फिर एक बार जब आपको पता लगा कि अच्छा अरे द्वार पालो ये जो भजन है ये दरबारी में जाता है, या तेरे वगैरह सांवरिया ये भोपाली में जाता है, तो अब हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये फिटिंग हो गई कि ये जो भजन है ये इस राग पर आधारित, तो इस स्केल पर आधारित है। ठीक है, तो आप वहाँ पर उसको चाहे वो कोई सा भी सा लगा दे, आप वहाँ से आसानी से आप भोपाली बना करके आप डायरेक्टली उसको शुरू कर सकते हो। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम भजन में जाते हैं हमने कोई कंपोजिशन सुनी हुई नहीं रहती है, अब वहाँ पर उस चीज़ को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको सीखना भी ज़रूरी होता है। हम वो धीरे धीरे सीखते सीखते जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमको अलग अलग रागें पता लगेगी, हमको उसमें कंपोजिशंस भी पता लगने लगेगी। हम कहीं पर जा रहे हैं किसी को सुनने के लिए या कहीं पर संगत करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ये वाली कंपोजिशन तो, और जो राग आपने पहले सीखी है और मान लो उसी राग में वो गा रहे हैं, ठीक है, और यदि आपने अच्छे से राग का अध्ययन कर रखा है तो आप उस ट्यून को सुनकर के पहचान जाएंगे अच्छा ये इस राग में आ रहा है। अब जो राग सीखी नहीं उसमें यदि किसी ने कोई गाया तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लाइव प्रोग्राम में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको कंटिन्यू नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका अनुभव जो है वो बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा, इसमें जल्दबाजी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर ये छोटू बैठा हुआ है, अब ये भी गाना बजा लेता है, ये जो भी इसको देंगे हम यहाँ पर घर पे, बट मैं इसको भी प्रोग्राम में संगत करने के लिए
अभी बोलता नहीं हूँ, कभी कभी ठीक है थोड़ा बहुत जो इसको पता है या कोई भजन कोई गा रहा है, कोई आरती मान लो गा रहा है और इसको मैंने बता दिया कि इस पिच से है तो वो आसानी से उसमें बजा लेंगे। बट अभी इसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी उतना अनुभव नहीं है, अभी उतना नॉलेज नहीं है, अभी उतनी गलतियाँ नहीं की इसने, क्योंकि गलती करते करते ही तो सीखेगा बंदा। मैं खुद जब मैंने आज से 10 साल पहले शुरुआत की थी तो मैं खुद भी जब संगत करने के लिए जाता था तो कोई भैरवी में गा रहा है, कोई दूसरी राग में गा रहा है, कई बार तो ऐसी राग गा देते थे बिल्कुल पता नहीं लगता था कहाँ पर हो रहा है, राग बाहर हो गया या राग तोड़ी जय जय वंती, अब इनके नाम ही नहीं सुना, उनका चलन ही नहीं पता, उसकी ट्यून ही नहीं पता है तो कैसे हम लोग उसमें। तो वो वहाँ पर तो बिल्कुल प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी पहले ये बहुत हुआ है, बट मैंने ज्ञान लेते गया, मैं आगे सीखते गया, चीज़ों को समझते गया, कहाँ गलती हो रही वो चीज़ें देखता गया, तब जाकर के धीरे 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 अब मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ी है, ठीक है, चीज़ें समझ में आने लग गई, ठीक है, और अभी भी सीख रहा हूँ क्योंकि आगे भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी बोला है कर्म तो करना पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा वो फिर डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, ठीक है। बट हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत है, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सोम है ये गाने वगैरह बजा लेता है, बहुत अच्छा बजा रहा है, ठीक है, तैयारी भी अच्छी हो रही है, प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहा है, लेकिन फिर भी जब ये अभी प्रोग्राम में संगत करने के लिए इसको मैं बिठाऊंगा तो वहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो जाता है, ढूंढ लेगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा, इतनी देर में तो शायद भजन ख़त्म हो जाए, ठीक है, टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पर तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रहा। देखो वो बोल रहा है कि सर राग नहीं पता होती है मुझे, तो राग सीखने से क्या होता है आपके दिमाग में तुरंत स्केल पता लग जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि तेरे बगैर सांवरिया बजाओ, कौन सी राग में पता नहीं है, अब यदि पता रहता तो तुरंत ये राग निकाल लेता और उसमें बजा देता। अब इसके साथ क्या होगा, अब मुझे गाना पड़ेगा, अब मैं गाऊंगा और गाने के बाद फिर इस ट्यून को सुनेगा ये, क्योंकि राग सीखने का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप गाना बजा सकते हो या नहीं बजा सकते हो। गाना तो वो भी बजा सकता है जिसने राग सीखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि राग सीखेंगे तभी हम लोग कुछ बजा पाएंगे, अभी कई सारी चीज़ें कई सारी रागें इसने नहीं सीखी है, जैसे मेरे ढोलना जो सॉन्ग है इसको नहीं पता कौन सी राग में, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है, ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर लेता है चीज़ों को, सुन करके चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है इसकी। तो इतनी टफ कंपोजिशन को भी इसने वहाँ से निकाला, बस ये कि थोड़ा थोड़ा मैं उसको कहीं कहीं पर नोटेशंस चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी मेहनत करता है और चीज़ों को निकाल लेता है। तो मेन चीज़ वही है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को समझने की जो क्षमता है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, तो अभी हम लोग पिच वही रखते हैं, काली दो लगाओ, सा अब पहले मैं वो गाऊंगा जो इसको भी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, अब इतना से यहाँ पे दरबारी अब इसको पता था कि ये जो रास्ता है ये कौन सी राग में जा रहा था, दरबारी में, दरबारी के केवल सुर पता है उसको कि सारे गा पद ऐसा गधनी कोमल होता है, ठीक है, तो उस रास्ते में इसने इसको निकाला है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसी चीज़ यहाँ पर गाता हूँ जो पता नहीं इसने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, राग भी नया चेंज करते हैं, अब आप कोशिश करना उसको निकालने की, ठीक है। शुरू हो रही है प्रेम
ऑब्जर्वेशन देखिए, धुन को पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, जो धुन आप निकालना चाह रहे हो पहले वो दिमाग में तो रहनी चाहिए ना। किसी ने कोई गाया मान लो छोटा सा टुकड़ा, तो वो टुकड़ा दिमाग में रहना चाहिए, वो धुन दिमाग में रहनी चाहिए, तभी तो आप उसको यहाँ पर मैच कर पाओगे इंस्ट्रूमेंट पर कि ये हम सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अब ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो धुन गाई गई है उससे थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एकदम ही अलग जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, कौन सी राग है ये नहीं पता। तो यहां से एक बात तो पक्की हो गई ना कि धुन निकालने के लिए राग आए ऐसा जरूरी नहीं है, उसको पता थोड़ी ना ये कौन सी राग है। 12 सुर है, वो तो 12 सुर के अलग अलग कॉम्बिनेशन। राग क्या, राग मतलब क्या हुआ, कुछ सेट ऑफ नोट्स है और उनका अपना एक चलन है, तो वो एक ट्यून बन गई, एक धुन बन गई, वो राग है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो सुर का ही तो काम है, समझना है हमको वो ट्यून को, समझना है धुन को, समझना है। तो कई बार आपने ऐसे देखे होंगे अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास गांव शहर कस्बे में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रागों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो धुन निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर ये गलती मत करना कि सर फिर राग सीखने से क्या मतलब, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये यहाँ से नहीं तो क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी एकदम बंद हो जाएगी, आप क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाओगे। आपको चीज़ों को ढूंढने में जहाँ पर 2 सेकंड लगने चाहिए वहाँ पे आपको 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो राग सीखना भी ज़रूरी है। अब मान लो ये राग ना सीखे और किसी ने बोल दिया कि लाइव प्रोग्राम में किसी ने कह दिया कि भैरवी लगाइए, अब इसको पता ही नहीं क्या है भैरवी, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सब पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि मान लीजिए इसको नहीं पता है भैरवी, तो फिर ये कैसे लगाएगा, संभव ही नहीं है लगाना। तो सीखना भी तो ज़रूरी है ना वहाँ पर, नहीं तो आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे कहलाओगे। तो फिर वहाँ पर यही होगा कि आप गाइए और गाने के बाद उस ट्यून को हमने सुना और उसके बाद फिर हम निकालेंगे। बट वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना निकालने में, क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का आवाज़, गायक का आवाज़, फिर वहाँ पर हम कानों को बिल्कुल हमारे बैंजो को सुन करके फिर निकालें, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, काम टफ हो जाता है, आसान बनने की बजाय टफ हो जाता है। अभी हाल ही का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कल जन्माष्टमी थी तो वहाँ पर एक गायिका आई थी, तो उनके साथ हम संगत कर रहे थे। अब जितने भी उन्होंने वहाँ पर भजन वगैरह जो गाया वो सब मेरे सुने हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा आपकी कृपा से, तो तुरंत मेरे दिमाग में स्केल आ गया पूरा कि भैया नी कोमल लगेगा, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगेंगे। बस ये है कि अब पिच का प्रॉब्लम बैंजो प्लेयर्स के साथ तो बहुत रहता है, हर एक बटन से सा बना करके थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है, तो ये चीज़ें एकदम से थोड़ी ना आती है, ये तो अनुभव से आती है, मैं पिछले 10 साल से बजा रहा हूँ। अब ये चीज़ें यदि किसी को बोलें तो सर क्या हमको भी 10 साल, अरे अनुभव तो जीवन भर आएगा, 10 साल क्या बोल रहे हो आप, अनुभव तो जीवन भर आएगा। किसी का 30 साल का अनुभव है तो वो तो यही बोलेगा ना, मैं तो 30 साल से बजा रहा हूँ लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, मतलब अनुभव अभी भी आ रहा है। तो केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, जब गलतियाँ होगी और गलतियों से जब व्यक्ति सीखता है तो उसी को तो अनुभव बोलते हैं। ठीक है, तो सीखते सीखते करते करते प्रोग्राम में जाते जाते गलतियाँ होगी, लोग आपको बुरा भला भी बोलेंगे, अरे आप नहीं कर पा रहे हो, आप सीखिए। मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसके साथ भी हुआ है ऐसा। अभी इसको मैं यदि प्रोग्राम में थोड़ा बजाने के लिए बोल देता हूँ तो सिंगर लोग बोल देते हैं अरे आप बजाओ थोड़ा, क्योंकि अभी उतना अनुभव नहीं है इसका, अभी इतनी चीज़ें इसके दिमाग में नहीं है, इतनी धुनें दिमाग में नहीं है, तो वो तो धीरे धीरे ही होगा ना। या ऐसा तो नहीं हो सकती कि मैंने जो 10 साल में जितनी धुनें और सारी चीज़ें मैंने सुनी ये 1 महीने में सारी चीज़ें दिमाग में सुन ले, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कितनी सारी ढेरों कंपोजिशन है, ढेरों गाने, गज़ल, भजन, कव्वाली, ये सब अनुभव से आती है चीज़ें धीरे धीरे। बस आपको क्या करना है, ज्ञान लेते रहना है, रुकना नहीं है, रुका हुआ पानी ही तो सड़ता है, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी में बहाव
रहेगा तो पानी स्वच्छ रहेगा। तो ज्ञान इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको लेते रहना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ पर। यदि आपने ज्ञान भी ले लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन आपने उस ज्ञान का किया तो वहाँ पर गलतियाँ तो होनी है, स्वाभाविक है, तो वो गलतियों से अनुभव आएगा। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सर हम घर पे तो बजा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर पे कम से कम ट्यून निकाल लेते हैं, ये कितनी अच्छी बात है, ये भगवान की देन है आपको कि आप सुर को सुन करके आप चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट पर निकाल लेते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे अनुभव के साथ ही आनी है, इसलिए तो बोलते हैं कि पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। राग सिखाने में क्या है, एक महीने दो महीने में आपको सारी राग कोई भी बता देगा, आरोह अवरोह ये सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन उससे क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए समय लगता है चीज़ों में, ठीक है। और मैं जिस तरीके से सिखाता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वहाँ पर मैं हर एक राग को मिनिमम दो महीने तो देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार माइंड मैच्योर होगा या कोई राग है जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है तो उसको मैं एक महीने में भी, एक महीने इन द सेंस कि कम से कम 8 से 12 लेसन एक एक घंटे के, वो भी ठीक है। और उसके बाद उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको खुद से चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ स्वयं का गुरु बनना, स्वयं को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीज़ों को सुनिए, कहीं से आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए, किसी दूसरे से वेरिफिकेशन करिए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं हमेशा सही बोलूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ऑब्जर्व करिए, खुद अपना दिमाग लगाइए, नहीं खुद का दिमाग लगा पा रहे हो किसी दूसरे से वेरीफाई करिए, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव गलत भी तो हो सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से शायद वो सही हो लेकिन आपके हिसाब से शायद वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ें तो हमको सीखते ही रहना पड़ेगा, वो धैर्य तो रखना पड़ेगा, धैर्य का भी कोई विकल्प नहीं है, जो चीज़ जब आना है तभी आएगी। वो 10 साल की चीज़ को एक महीने में थोड़ी ना हम लोग कर सकते हैं, वो अनुभव वो ज्ञान धीरे धीरे ही आपको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रेंडमली कोई भी यहाँ पर, अभी मैं तानपुरा बंद करता हूँ, अब रेंडमली कोई भी सुर सा लगा करके कोई भी भजन गाता हूँ, अब इसको देखते हैं ये कितनी देर में उसको निकालता है, ठीक है। चलिए कोशिश करूँगा कि जो इसने नहीं सुना हो, ये देखो इसने सा ढूंढ ही लिया, मैंने जस्ट बजाओ, अब ऑब्जर्वेशन देखो, ट्यून को कोई भी सा में बजाऊंगा, जैसे थोड़ा तेज बजाऊंगा, जो संगत करते समय सबसे पहली चीज़ आपको सा पहचानते आना चाहिए। किसी ने भी यदि मान लो सिंगर ने सा लगा दिया, वो सा यदि पहचान नहीं पा, अब जैसे ये कैसे पहचान पा रहा है सा को, जैसे मैंने बोला मैं रेंडमली कुछ भी गाता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, ये सा पहचान लिया। अब यदि इसने राग सीखा होगा तो मेरा आपकी कृपा इसको तुरंत पता लग जाएगा, तुरंत ये अपने दिमाग में देख लेगा कि अच्छा मेरा आपकी कृपा से सा तो पहचान लिया इसने, अब उस सा के हिसाब से स्केल बना देगा तो गलती नहीं होगी, क्योंकि राग पता है उसको, पता है कि ये जो भजन है ये इसी राग में, इससे बाहर नहीं होगा, ना तो वो रे कोमल लगाएगा ना गा कोमल लगाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है ना कि ये जो भजन है यहाँ पर केवल इसमें केवल नी कोमल लगेगा, बाकी सारे शुद्ध है। तो ये होता है सीखने का फायदा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह
पकड़ लो तो कोई बात बने रे बगैर सांवरिया। अब देखो अभी इसने रे को मन लगा दिया सा के बाद, क्योंकि इसको पता ही नहीं तेरे वगैरह सांवरिया कौन सी राग में। और यदि मैं इसको अभी बोल दूं कि सारे गा पा धसा लगाओ, सारे गा पा धसा, अब बजाओ। अब ये प्रॉब्लम इसके साथ क्यों हुई? क्योंकि 12 सुर से रियाज नहीं है। 12 सुर से यदि रियाज रहे तो किसी भी सुर को सा बना करके आप कोई भी राग वहां से प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी रहता है, यहाँ पर बता दिया राग भी पता है, लेकिन फिर भी चूंकि 12 सुर से बजाने का अभ्यास नहीं तो वो स्केल ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी अनुभव से आएगा, अलग अलग पिच का जो रियाज रहेगा। आप प्रोग्राम में जाएं, कल मैं प्रोग्राम में गया तो मैंने अपने बैंजो को ए शार्प पर ट्यून किया, और ए शार्प पर ट्यून किया तो 12वें नंबर का जो बटन है वो मेरा ए शार्प बन रहा है। अब उन्होंने पूरे जो भजन है, क्योंकि जो लाइव शो ऐसे जगराता वगैरह जो रहता है बाबा श्याम के जो भजन होते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप बैंजो को बार बार ट्यून करो, क्योंकि सिंगर चुप हो जाएगी, बोलना बंद कर देगी तो पब्लिक भागना शुरू हो जाएगी। तो सिंगर को तो उसको बांध के रखना है ना, तो हमेशा ही बोलते रहना पड़ेगा। अब इतना देर हम यदि बैंजो मिलाने में उनको बोलेंगे कि थोड़ा चुप रहिए तो कैसे हो पाएगा? तो हमको तो जहाँ से है वहीं से प्ले करना पड़ेगा। ये कल मैंने प्रोग्राम में वहाँ पर किया, ठीक है। तो इसलिए बैंजो प्लेयर के लिए स्पेशल 12 सुर से रियाज जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, यदि आप सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप अपने मनपसंद के स्केल से बजाइए, लेकिन लाइव प्रोग्राम में थोड़ा सा चीज़ों को सबसे पहली जो डिमांड होती है वो सा पहचानना। वो सा पहचानने के बाद जब आपने वो कंपोजिशन को सुना और वो कंपोजिशन यदि आपकी पहले से सुनी हुई है, आपका राग यदि तैयार है, तो तुरंत उस सा से आप वो राग जो है वहाँ पर आप बना दोगे, हो गया फिर काम। तो इस तरीके से आप वहाँ पर बजा लोगे। और फिर म्यूज़िक वगैरह की बात है तो म्यूज़िक उसमें कैसे देना क्या देना वो भी अनुभव से ही आएगा। आप बार बार जाएंगे प्रोग्राम में फिर कभी आप, बट ये देखिए आप प्रोग्राम में जा रहे हो लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपसे जो गलतियाँ हो रही ना उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन वो गलती पर आपको काम करना है, गलती पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि बस जो गलती हो गया हमसे तो बजा नहीं, अरे क्या कारण रहा उसके पीछे, उस कारण पर काम करना है। तो गलती पर काम करना है और वही गलती धीरे धीरे आपका अनुभव बनेगी और यही अनुभव आपको आगे जाकर के काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप यदि घर पे बजा पा रहे हो तो आप प्रोग्राम में भी बजा पाओगे, बस अभी अंतर ये है कि उतना अनुभव नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, उतना रियाज नहीं है। जब ये चीज़ें जब बढ़ेगी आगे तब जाकर के धीरे 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 आपको ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, इसको बार बार सुनना क्या बोला है मैंने इसमें, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग प्रॉपर डिटेल में यदि बैंजो सीखना चाहते हैं, डिटेल कोर्स एकदम स्टेप बाय स्टेप बैंजो को समझना चाहते हैं, तो मेरा सुरभि सुर संगम का जो एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन में मेरे पूरे मंथ वन से लेकर के आगे तक पूरा जो लेसन है वो मेरे डले हुए हैं। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी यदि आपको करना है, कोई डाउट रहता है, तो यहाँ पर नंबर चल रहा है 8435737494, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप बैंजो खरीदना चाहते हैं, बैंजो का बैग खरीदना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। होम डिलीवरी हम लोग देते हैं, प्रोफेशनल बैंजो आपको घर तक हम अवेलेबल करवाएंगे। तो यदि आप लोग सीखना चाहते हैं, बैंजो खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आप लोग की सेवा में हाजिर रहूँगा। आपके जो भी डाउट्स रहे, जो भी सवाल रहे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। और कोई भी डाउट यदि आपका रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।